परम सौभाग्य की बात है कि आज हुड माता रानी का जो दरबार है उसके लिए एक एल्बम रिलीज हुई है। मैं ये कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राकेश जी और जितने भी हमारे कलाकार इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने शामिल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर शक्ति का वास है और शिव का बहुत वास है। आप देखें कि किसी भी पहाड़ी के ऊपर माता रानी ने अपने कोई ना कोई ऐसा अंश जो है छोड़ा है जिससे हमारे हम पूरे हिंदुस्तानी जो है इस भक्ति में लिप्त हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हुड माता की जो यात्रा है वो पूरी की पूरी जो है 20 तारीख से निकल कर जो है 22 तक आपकी किश्तवाड़ तक पहुँचेगी। मुझे लगता है हम सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और एक बहुत ही जो हमारे यहाँ पे गांधी किशन जी हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, और उसके साथ जो लोकल कलाकार हैं जो वहाँ की हुड माता की जहाँ पे ये स्थापित है माता रानी उसके दृष्टों को उसके वहाँ की खूबसूरती को अपने इस एल्बम में दर्शाती हैं, कहीं ना कहीं अपनी उनकी आवाज़ में दर्शाती है। मुझे लगता है कि ये माता रानी की कृपा होती है कि हम सब जो श्रद्धालु लोग हैं उनको ऐसी भक्ति में वातावरण हम लोगों को मिलता है। मैं पुनः कमेटी वालों को और तमाम हमारे जो यहाँ पर कलाकार यहाँ पे आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खासकर मेरे साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मनीष जी जो मेरे साथ हैं, और हम सब भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने 3-4 जो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत साथ दिया है, लेकिन उसके अलावा भी एक हैंड होल्डिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन करे, जैसे अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऐसे कलाकारों को कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान दे, क्योंकि हम लोग तो माता रानी के भक्त हैं सारे के सारे। माँ वैष्णो देवी का इतना बड़ा स्थान है और आगे पीछे जितने भी हमारी पहाड़ियाँ हैं सब पे माता रानी के अंश हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ये भी आग्रह करूँगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरह से जगराते होते हैं, जिस तरह से इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ इनमें भी टूरिज्म के में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस में भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान रखना चाहिए।